तो दोस्तों यार एक चीज तो क्लियर है यार, विंडोज 11 22H2, अरे यार नाम गलत बोल रहा हूँ, आप सबको पता है कि नहीं यार 22H2 अब मत बोलो, ये नाम चेंज हो गया, मतलब अब से यार विंडोज 11 2022 का जो अपडेट है इस तरीके से इसको प्रोनाउंस करा जा रहा है, क्योंकि साल में अब एक ही अपडेट आना है भाई साहब। तो देखो एक चीज तो क्लियर है, ये अपना जो 22H2 अपडेट है ना, ये बेसिकली अराइव होने वाला है इस सेप्टेम्बर को, अरे लगे हुए बस यार अगले 10 दिन के आसपास में आपको मिल जाएगा अपने डिवाइसेस पे, लाइक आपको 20 सेप्टेम्बर के आसपास से न्यू फीचर्स इंजॉय करने वाले, न्यू सेटिंग्स और बहुत कुछ नया आने वाला है। एक और चीज भाई, इसी अपडेट के बाद भाई गूगल प्ले गेम्स का भी यार जो चांसेस लग रहे हैं वो भी अराइव होने के लग रहा है, इसी के बाद होंगे, तो हाँ बहुत मेजर अपडेट हो जाता है। पर देखो ये अपडेट चल रहा है अपनी जगह पे सही है, पर यहाँ पे यार फ्यूचर के भी तो अपडेट देखने हैं, तो यहाँ पे यार बिल्कुल एक नया अपडेट निकल गया है 23H2, मतलब 2023 वाला जो अपडेट रहने वाला है ना विंडोज 11 का, उसका कुछ यार लीक्स नहीं बोलूंगा यार, ये ऑफिशियली है बिल्कुल, और उसकी बहुत सारी चीजें निकल के आई है, नया टास्क मैनेजर में कुछ चीजें आई है, फिर आपका ऐप वैप में थोड़ा सा चेंजेस है, तो वो सब चीजों पर आज बात करते हैं। यकीनन भाई फ्यूचर के जो विंडोज 11 की चीजें वो और खतरनाक हो रही है, और भी इंप्रूवमेंट देखने को दिख रही है, बाकी एट द एंड आपका बड़ा फायदा होने वाला है। बाकी स्वागत है आप सभी का एक और ब्रांड न्यू वीडियो में। एक चीज तो भाई बिल्कुल 100% क्लियर है, अगर यार विंडोज 12 की कुछ भी अनाउंसमेंट, जैसे अभी तक यार लीक्स वीक से पता चल रहा है, अगर ऐसा कुछ भी रहता है कि फ्यूचर में आपको यार विंडोज 12 देखने को जल्दी देखने को दिखेगी, तो ये बात क्लियर है कि 23H2 जो अपडेट रहने वाला है ना, इसके जस्ट बाद इसकी कुछ चीजें यार निकल के आने लग जाएंगी। सेकेंडरी एक और चीज भाई, जो इससे भी बड़ा थोड़ा सा इंपैक्ट आप बोल सकते हो, देखो टाइम के साथ ना विंडोज 11 पे यूजर्स आ रहे हैं, धीरे धीरे इसका ग्राफ बढ़ता चला जा रहा है। एक बात तो कंफर्म है, अगले साल का जो ये अपडेट आएगा ना, तब तक और यूजर्स आ चुके होंगे भाई विंडोज 11 पे, तो हाँ उनको भी एक सस्टेन और बहुत अच्छा अपडेट मिलना चाहिए, तो उसकी पूरी यार माइक्रोसॉफ्ट वाले लगे हुए हैं इस काम में, पेचीदा मतलब कोई भी आपकी उम्मीद से यार वो नहीं करेंगे, बहुत सारा कुछ नया देंगे, ये बात तो तय है। अभी फीचर्स की बात करूं तो यार रिसेंटली भी बहुत सारी चीजें निकल के आई थी, लाइक स्टार्ट वाला याद होगा आपको, स्टार्ट बटन में चेंजेस, फिर सर्च में बहुत सारी चीजें आ गई थी, नए तरीके के सर्च मेन्यू आ रहे, वो सब चीजें देख के तो मन खुश हो जाता है भाई, कैसा कैसा नया डिजाइन है, टास्क मैनेजर हिला देने वाला, वो चीज पे आप आई बटन पे वीडियो देखना अगर वो सब जानना चाहते हो, वो लास्ट जब आया था उस समय की बात है। अभी रिसेंटली क्या है, अभी यहाँ पे 2-3 चीजें नई अपडेट करी गई है। सबसे पहले तो भाई एक्सबॉक्स गेम पास का करा गया, लाइक अब यार आप सेटिंग से इसको पूरी तरीके से मैनेज कर सकते हो, कितने अब आपको ये चीज यार पता है कि नहीं, एक्सबॉक्स को आप चाहो तो ना दोस्तों के साथ डिवाइड करके खरीद सकते हो, यस ये चीज नहीं आ गई है, तो मतलब यार अपने दोस्तों शेयर वेयर कर लिया उस तरीके की चीज के लिए, तो हाँ इसके ऊपर अगर बहुत अच्छे से डिटेल में जानना चाहते हो डिस्क्रिप्शन से चेक कर सकते हो वेबसाइट से हमारी, तो वो बहुत अच्छा फीचर है, वो भी आपको यार इसके अंदर जो मिलेगा ना, और अपना यार सेटिंग के अंदर एक डिस्प्ले अलग से पोर्शन मिलेगा एक्सबॉक्स का, वहां पूरी तरीके से मैनेज कर पाओगे। इसके अलावा भी बहुत सारी सेटिंग वहां पे नई दी जाएगी आपको, जिसको आप मैनेज खुद से करोगे, मतलब कस्टमाइज लेवल पे बहुत ऊपर पहुंच जाओगे। ये तो यार गेमर्स के लिए काफी अच्छी चीज होगी। सेकेंडरी एक और बढ़िया चीज निकल के आ रही है टास्क मैनेजर रिलेटेड। वैसे तो टास्क मैनेजर की यार बड़ी सारी चीजें अपडेट आती रहती है, वो भी मजेदार रहता है अपनी जगह, उस पर कोई सवाल नहीं है, पर हाँ इस बार यार फिर से थोड़ा सा चेंजेस लग रहा है। वैसे ये चेंजेस ऑफिशियली भाई विंडोज 11 के लिए की नहीं गई है, एक्चुअली हुआ क्या है ना मैं आपको बताता हूँ। देखो लैपटॉप भी हम लोग साइड कर दे रहे हैं, टैबलेट डिवाइसेस पे अगर आपने विंडोज 11 इंस्टॉल करा है ना, उसकी हर चीज बड़ी अलग सी रहती है, तो वहीं पे एक नया अपडेट आया था जहां यार टैबलेट का जो टास्क बार है ना भाई, उसको कंप्लीटली चेंज कर दिया गया। यस यार उसके अंदर मतलब आइकन्स के साइज बड़े कर दिए गए, एक एनिमेशन छोटा मोटा डाला, कर्व डिजाइन डाल दिया। अब लोगों ने क्या करा कि वो जो विंडोज 11 यूज कर रहे हैं ना पीसी पे, उसको थोड़ी सी तरकीब लगा के, हाँ बिल्कुल थोड़ी सी तरकीब लगा के आपको यार इजिली अवेलेबल है गूगल पे मेथड, वो आप यार जो टैबलेट वाला टास्क मैनेजर है उसको अपने विंडोज पे इंपोर्ट कर सकते हो, और वो देखने में बड़ा खतरनाक लगता है, पर हाँ वो यार उसी 23H2 वाले बिल्ड के साथ ही पॉसिबल है। बाकी इसके अलावा यार थोड़ा फाइल मैनेजर में छेड़ा छाड़ी चल रही है, ये सब चीजें चलती रहती है, मतलब उसके अंदर कुछ सेटिंग हटा रहे हैं कभी जोड़ रहे हैं, तो वो सब चीजें न्यूट्रल है। बाकी हाँ अगर आप इसको ट्राई करना चाहते हो तो आपको डेवलपर बिल्ड में जाना पड़ेगा, पर मैं एज आपको यार प्रेफर करूँ तो यार बिल्कुल नहीं इतने अंदर घुसने की जरूरत नहीं है। हाँ ऊपर से मैंने आपको फीचर्स तो बताया कि हाँ इंजॉय करना तो आप कर सकते हो, जाने का यार कोई ऐसा नहीं है, पर हाँ फ्यूचर में तो आपको मिल ही जाएगा, तो क्या इतनी जल्दबाजी है। बाकी चलो अगर इससे रिलेटेड यार और भी छोटी मोटी अपडेट्स हैं तो उसको आप यार चेकआउट कर सकते हो हमारी वेबसाइट से, मिल जाएगा कमेंट में। बाकी चलो इस वीडियो में इतना, अगर पसंद आए तो बिल्कुल लाइक कर, सब्सक्राइब बनता है, शेयर कर देना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद जय भारत, वंदे मातरम।